हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप सभी? सभी बच्चों ने अपने हॉलीडेज एंजॉय किए? ओके, वेरी गुड। तो चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में हम फादर्स डे के लिए एक्टिविटी देखेंगे और उस एक्टिविटी को आप प्रिपेयर करेंगे। बेटा, आपको पता है अभी रिसेंटली फादर्स डे आने वाला है, तो उसी के लिए यहाँ पर आज हम एक फोटो फ्रेम बनाएंगे और उसे आप कार्ड की फॉर्म में भी बना सकते हैं और बिना कार्ड के भी सिंपल फोटो फ्रेम भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है उसके लिए, देखिए ये आपको ऐसे पेपर चाहिए है, शीट, हार्ड शीट ले लीजिए आप, जैसे हैंडमेड शीट होती है इस तरह से। और अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी तरह की शीट का यूज़ कर सकते हैं, जैसी शीट आपके पास है। थोड़ी थिक शीट होगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम फोटो फ्रेम बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल पेपर पे दिखा रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा A4 साइज पेपर है और इसमें ये पूरा यहाँ से आप स्केल से बेटा ऐसे लाइन लेंगे पहले। ऊपर ये ऐसे लाइन लगा लेंगे, ये पार्ट छोड़ना है हमें। मैं स्केच से आपको दिखाती हूँ, पेंसिल क्लियर नहीं आ रही है नजर आपको, तो देखिए ऐसे हम अपना जो पेपर है उसमें पहले लाइन लगा लेंगे। इधर लाइन और फिर ऐसे ये वाला पार्ट छोड़ के थोड़ा यहां से लाइन लगाएंगे। और जो ये इतना हमारे पास बच रहा है बेटा स्पेस, दोनों लाइंस के बीच में जो ये स्पेस बच रहा है, यहाँ पर हम एक छोटी लाइन ऐसे और इधर एक छोटी लाइन ऐसे ये कर लेंगे। अब क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ तक कट करेंगे दोनों साइड से और फिर उनको कॉलर की शेप देंगे। ठीक है, तो कैसे कट करना है, ये मैंने कट करके रखी हुई है, देखिए थोड़ा सा आपको कट करके दिखाती हूँ मैं। कटिंग करते वक्त बिल्कुल सावधानी से आप काम करेंगे, दोनों साइड से बेटा थोड़ा थोड़ा जहां जहां ये लगाया है निशान वहीं तक कट करना है। उसके बाद इस तरह से ये पीस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो और उसके बाद बेटा ये लाइन के जो बाहर वाला पार्ट है ये भी हमें कट करके निकाल देना है बाहर, मतलब इसे हमने कट करके रखना है। और आफ्टर कटिंग ऊपर से भी और साइड से भी कैसे होगा, ये देखिए इस तरह से शेप आएगी। ये है ऊपर वाली कटिंग थी, ऐसे होगी है। और जो हमने साइड वाला पार्ट, ये देखिए इस पेपर में जो ये साइड वाला पार्ट जब हमने निकाल दिया कट करके, तो वो इस तरह से आ जाएगा, मतलब एक शर्ट की फॉर्म दिख रही है यहाँ पर, है ना। तो हम क्योंकि फादर्स डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने ये शर्ट का शेप लिया है अपने फोटो फ्रेम के लिए। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से आप कलर स्ट्रिप्स ले लेंगे, कलर पेपर की स्ट्रिप्स ले लीजिए, कंट्रास्ट रख लीजिए, आप जैसा बेस है उससे थोड़ा अलग कर लीजिए, या आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मटेरियल जैसा चाहें बेटा आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर हम ऐसे सेंटर में लेके, मतलब दोनों साइड का ध्यान रखना है, और ऐसे कॉलर के थोड़ा नीचे आए जिससे हमारी स्ट्रिप, उसे पेस्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा फेविकोल लेना है, ज्यादा नहीं लगाना है हमें। और यहाँ ऐसे थोड़ा नीचे करते हुए ऐसे ये एक स्ट्रिप लगा लेंगे हम। उसके बाद सेम साइज की बेटा यहाँ नीचे भी हम लगाएंगे, इस तरह से नीचे लगा लेंगे। आप इसे हार्ड पेपर के साथ या हैंडमेड शीट के साथ बनाएंगे तो और भी अच्छी तरह से आपका हार्ड हो गई है।
अब क्या करना है, ये दो लंबी स्ट्रिप्स हैं हमारे पास, इनको एक को हम इस साइड लगाएंगे ऐसे। स्ट्रिप्स जो फोर स्ट्रिप्स थी हमारी, दो छोटी दो बड़ी, वो हमने पेस्ट कर लिए। अब ये जो एक्स्ट्रा पेपर बच रहा है आप इसे बैक साइड में फोल्ड कर दीजिए, या तो आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए ये फ्रेम का लुक आ गया आपका। अब इसके बाद ये जो हमने ऊपर की स्ट्रिप छोड़ी थी बेटा, इसको हम ऐसे कॉलर की शेप देंगे, ठीक है। मतलब कॉलर तो हमने कट किया है, अब हम इसे ऐसे यहाँ पर दोनों को पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो हमने ऊपर स्ट्रिप कट की थी, इसकी ऐसे हम यहाँ पेस्टिंग कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, अब ये लग रही है ना शर्ट, और साथ में यहाँ का स्पेस है वहां पर पिक भी लगाएंगे अपनी, ठीक है। अब थोड़ा और लुक देने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसे बटन ले रहे हैं बेटा। तो आप इसमें आपके घर में पुराने कोई बटन हो वो यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो पेपर का सर्कल भी लगाकर बटन बना सकते हैं। ये यहाँ बटन लगा दिया। अब क्या करना है, सबसे जरूरी चीज ये तो बन गया हमारा। अब क्योंकि ये फोटो फ्रेम हम दिखा रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर जो बीच वाला स्पेस है वहां पर आपने अपने पापा के साथ आपकी कोई पिक है तो वो आप यहाँ पर लगाएंगे। जैसे मैंने ये प्रिंट आउट लगाया है यहाँ पर, देखिए, और इस तरह से ये हमारा तैयार होगा फोटो फ्रेम पिक्चर लगाने के बाद। तो बहुत सिंपल मैंने और छोटी सी एक्टिविटी आपको बताई है, ताकि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ इसे कर सके इजीली। और मटेरियल भी कुछ नहीं है ज्यादा, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें घर पर होती हैं। बस आप पिक्चर अपने मामा से पूछकर पापा वाली आप ले लीजिए, और इस तरह से बेटा आप अपना ऐसे फोटो फ्रेम तैयार करिए, और उसके बाद अपने पापा को गिफ्ट करिए, ठीक है। और पापा को ऐसे देते हुए बेटा पापा के साथ अपनी पिक लेंगे, और वो पिक आप मुझे भेजेंगे, ओके। आप अपने सिंगल पिक मत भेजिए, ना ही सिर्फ काम की पिक भेजिए, आप अपने फादर के साथ खड़े होकर अच्छी तरह से उन्हें गिफ्ट दीजिए फादर्स डे का। आप ये कार्ड बनाइए, चाहे कोई और भी कार्ड आप बना सकते हैं। अब जैसे ये शर्ट हमने तैयार की है बेटा, इसको आप चाहें तो कार्ड जैसे फोल्ड करते हैं हम, कार्ड की फॉर्म में भी कार्ड के ऊपर ऐसे लगाकर इसे यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं, सिंपल ऐसे या फिर कार्ड की फॉर्म में। तो बेटा आप जब ये हमारा ऐसे इस तरह से तैयार हो जाए आपका फोटो फ्रेम, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह से स्टिकर्स आप कुछ बना लीजिए, जैसे ये हैप्पी फादर्स डे का है, माय बेस्ट डैड का बनाया है, तो उसे आप चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरह से, या आप कहीं भी लगाइए। तो स्टिकर्स अगर चाहें तो इस तरह से लगाकर आप इसे और अच्छा लुक दे सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को कर लीजिए बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।